अभी हम हैं हुमायूं के गेट के सामने और हम यहाँ से टिकट लेंगे और अंदर जाएंगे। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। बाहू आज भी वही चीनी भाई, एक मिनट तो भी आएगा अपन इतना दिक्कत तू मत आउट वो सब वादा नोटा सुन चुरे मेरे को मालूम ही नहीं कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। बस मैं घूमने से मतलब रख रहा हूँ, ये भी मालूम नहीं था कि अभी हम कहाँ पर है। तो मैंने भैया से पूछा तो ये हुमायूं का मकबरा है, अभी सामने गेट ही है जो अंदर और बाकी है। ये सिर्फ ये एंट्री गेट है मकबरे का और इधर एक गार्डन है, वो इधर भी गार्डन है, वो उधर पता नहीं क्या है। और इतना बड़ा ये एरिया है पूरा इसका, ये गेट है, गेट के उधर उसका मकबरा है। सो ये हुमायूं का मकबरा है गाइस, और ये हमारा कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये दरवाजा कई साल पुराना है गाइस, है ना गाइस? अरे ये इधर से क्या है ये वाला? अरे अभी तो स्टार्ट हुआ, इसकी नियत तो आने वाला इसमें। ये एक और एक गेट है, दो गेट है अंदर जाने के लिए मकबरे का। मकबरा इसके उधर है, एक गेट लगता है छोटा और एक गेट है ये बड़े वाला। दो गेट है, इसके उधर मकबरा है। ये गेट भी बहुत हार्ड बना हुआ है गाइस, देख रहे हो आप, पूरा मोबाइल भी कवर भी नहीं हो रहा। हो और वो है हमारा सामने हुमायूं का मकबरा। ओहो, और यहाँ पर हमारी एक्साइटमेंट बढ़ते हुए, वो उधर भी है जाने का शायद रास्ता। और अभी हम यहाँ फोटोशूट होगा हमारा, हमारे साथी यहाँ पर फोटोशूट कर रहे हैं और तीन साथी हमारे उधर खड़े हो गए जो फोटोशूट के लिए हमें बुला रहे हैं। चलिए चलते हैं। ये मस्त है यार, बहुत सही है। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। पीडीएफ बना के नहीं रहे, वो व्हाट्सएप पे सब वो होगा उसका। ओ इमेज फट जाएंगे इसकी। वही चले नीचे से बैठ पकड़। और अभी हम पहुंच रहे हैं अंदर की तरफ और यहां पर हम फोटो शूट करेंगे, जब तक कि आप सिनेमैटिक वीडियो देखो। चलिए चलते हैं। यहाँ पर इन लोगों की कबर है, नाम नहीं लिखा हुआ इस पे। ये उनकी फैमिली मेंबरों की कबर है, जो उनकी फैमिली मेंबर होंगे उनकी। संगे मरमर की कबर बने हुए यहाँ पर, इस पे पूरा आयत लिखी हुई यहाँ पर, आयत वाली कबर। और हम जा रहे हैं महल के अंदर, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर नज़ारा है। और
यहाँ पर है कब्र हुमायूं की, जो कि आप सामने देख रहे हैं। ये कब्र है यहाँ पर, यहाँ पर ये दफनाया गया है। और ये इस पर भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनाया उन्होंने लोगों ने उस ज़माने में। और ये छत भी बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन की है। पर भी ये तीन कब्र है यहाँ पर, तीन। वो पता नहीं किसकी है, इस पर नाम तो कुछ लिखा हुआ तो है नहीं। और ये उस अंदर जाने का रास्ता है उधर से। और ये छत है, इस पर भी डिज़ाइन बनी हुई है। अब हमारी वीडियो तो कोई लेगा नहीं, इसीलिए हमारी आवाज़ से काम चला लो। इधर से कुछ दिखता क्या? चलो देखते। अरे ब्लर हो गए यार। ये हुमायूं के ज़माने के बर्तन है यहाँ पर। ये टाइल्स वगैरह, टाइल्स वगैरह, पत्थर वगैरह कलरफुल। और ये पूरा स्ट्रक्चर है उस मकबरे का पूरा, कितने एरिया में फैला हुआ है, इतना बड़ा है ये मकबरा। नहीं पता उनको। अरे क्या छोटे साइज बना यार, नमाज पढ़नी जगह का ही जो तुझे समाया वही था, वही था। और आती मतलब साला मतलब एक ही रूम में यार इसमें बने हुए। अरे वहाँ पर अपन गए थे, याद है? सुनो मैं तुमको, वो अपने रोहिन गेट की मस्जिद में गए थे ना, गुफा बनी हुई। तो चार ब्लॉक है पूरे, चार ब्लॉक है, चार कोने में, ये किसी को मालूम ही नहीं है। चले ये ऐसे बनाने का मतलब ही वही रहता, पूरे चार ब्लॉक है पूरे। क्या लगता हूँ, क्या मजा आ रहा है इसमें। ये देखो, ये मुझे देख कितना कड़क है, देख स्लैब, स्लैब है, स्लैब कितना कड़क। अरे क्या कड़क चीज से बना हुआ है, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उतरे इसमें। हाँ ये भी कोई चीज़ हम से कम हमें बीच में जगह रखना जाने को। चलो भैया ऐसी चीज़ समझ रहे हो, पर हम करे तो क्यों गलत है, तो मैं कह रहा हूं हम करे तो गलत, सो करे तो आज गरीब। ये गरीब बीबी बोलने लगा ना, कौन पत्र दिखाया कि नहीं उन्हें, ये वीडियो कर रहा है यार अपन। और ये है ईसा खान गार्डन टॉम, आप यहां पर इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसकी जानकारी यहां से ले सकते हैं। क्या समझ रहे हैं, क्या मालूम उनको। चल रहे बंदर। वो आप जो सामने देख रहे हैं वो है ईसा खान का मकबरा, उसे मकबरा भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसकी हुमायूं के मकबरे के पीछे वाली साइड की तरफ है ये। चलो अपना अपना आ रहे ऑफिस। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा है। और ये है वो पूरी फैमिली की कब्र, जो कि यहाँ पर दो कब्र बड़ी साइज़ में बनी हुई है, और बाकी की जो कब्र वो छोटी साइज़ में बनी हुई है। ये पूरी यहाँ पर छः कब्र है। और ये ऊपर का नज़ारा कुछ गुम्बद का बहुत सही बना हुआ है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनाई गई है। ऊपर भी आयतुल कुर्सी, है
स्तर पे लिखा हुआ है देखो, और क्या है ओ मेरे भैया क्या मस्जिद है ना यहाँ पर भी आए हुए थे, आए थे लिखे यार बड़ी मस्जिद यार क्या सुकून आएगा पढ़ने में नमाज़ यहाँ पर भी पूरे आए थे लिखे ये वाले पूरे आए थे इस पे भी आए थे लिखे हुए इधर ऊपर सांझा गुम्बद कितना सही बना हुआ है ऊपर गुम्बद तो सही बना हुआ कर ले सजदे तो कर ले कब सज्जा जी ने करा हमारा।